अलवर राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति पर बढ़ते अत्याचारों पर बढ़ते निजीकरण और बढ़ती महंगाई के विरोध में बहुजन समाज पार्टी की ओर से जनचेतना साइकिल रैली की शुरुआत सूर्यनगर मोड़ से शुरू की गई। रैली को प्रदेश प्रभारी एडवोकेट रामबीजन बोध और जिला अध्यक्ष इंद्र कुमार बोध ने नीली झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली सूर्यनगर से राजभाटा और भीमनगर खुदनपुरी नमन होटल 200 फुट रोड होते हुए अग्रसेन सर्किल दाऊदपुर फाटक होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची। वहां से शहर के मुख्य बाजार होप सर्कस कंट्रोल रूम अशोक टाकीजा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसमें जिला प्रभारी सीताराम गोठवाल, जिला उपाध्यक्ष JP रघुवंशी, ओम प्रकाश सिंह और हितेश रसगोना, MPS अमित पार्षद, जाफर पंकज देव, विधानसभा अध्यक्ष किशनगढ़ बास, शहर अध्यक्ष एडवोकेट संदीप गौतम, बाबूलाल बोध, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष सोनू मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज पार्टी के तत्वधान में जन चेतना के माध्यम से जन जन को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है देश के अंदर, कांग्रेस सरकार ने जो निजीकरण लेके आई उसके विरोध में, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहा है कि सारे जो सरकारी जो डिपार्टमेंट थे सबको निजीकरण दे दिया, जहां अनुसूचित जाति जनजाति OBC और गरीब जो वर्ग हैं उनको आज महंगाई से त्रस्त हैं, महंगाई से परेशान हैं, घर में खाने के लिए निवाला नहीं बचा, आज आमजन परेशान है। इन सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दलित विरोधी आमजन विरोधी नीतियों को लेके हम लोग साइकिल मार्च कर रहे हैं, जन चेतना एक मार्च निकाल रहे हैं साइकिल के माध्यम से, जिसमें देश की जनता के आह्वान करते हैं कि आप ये जो सरकारें हैं धन्ना सेठू की सरकारें, इनका विरोध करें और बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करें, जिससे कि एक राजा का नेतृत्व जो माननीय बहन जी निभाती है वो पूर्ण हो सके और आमजन को सहायता मिल सके। जन चेतना रैली के माध्यम से हम कांग्रेस और BJP की गलत सरकार है जो जन विरोध नीतियों के खिलाफ ये साइकिल रैली मार्च कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी आ रहे हैं अलवर में, तो संदर्भ में अलवर की देख रेख अच्छी तरीके से हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये राजा हैं, और राजा जब आता है, चाहे वो राजशाही हो चाहे लोकतंत्र हो, जब राजा आता है तो उनकी अगुवाई में जो नौकर चाकर जो लोग हैं ये पलक पावन बिछाते हैं, ये गलत परंपराएं हैं। आम जन का इसमें जो पैसा लुटाया जा रहा है ये हम सब का टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे को बचाना चाहिए, और आम आदमी, वो भी आम आदमी, उस इस तरह की तैयारी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? एडवोकेट रामजी मोहन बद, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान।